दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दी है। अब यह मानसून लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बनता जा रहा है। दरअसल दिल्ली के बेगमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेगम विहार में बरसात के कारण एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर एक मकान का छज्जा गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। साथ ही इस हादसे में दो महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका इलाज नज़दीक के अस्पताल में चल रहा है। परिवार में बच्चे की मृत्यु के बाद मातम का माहौल छाया हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम को एक बड़ा हादसा हुआ। जिस मकान का छज्जा गिरा उसमें राजकुमार अपने परिवार के साथ पिछले करीब 4 साल से किराए पर रहते थे। हालांकि जिस मकान का छज्जा गिरा उसमें सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन पड़ोस में रहने वाले बच्चे की मौत हो गई, जिसकी पहचान 9 साल के कुणाल के रूप में हुई। साथ ही सामने रहने वाली महिलाएँ भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनकी पहचान निभा देवी और रानी देवी के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों का कहना कि मकान मालिक अभी तक देखने तक नहीं आया और ना ही फोन उठा रहा। ऐसे में परिवार न्याय की आस में दिल्ली पुलिस से गुहार लगा रहा है कि उन्हें न्याय दिया जाए। परिवार का कहना कि मकान पिछले काफ़ी समय से जर्जर हालत में था, लेकिन इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। मेरा बच्चा चाय पी के निकला था, इनके लड़के ने साइकिल डाल दी और उन्होंने बोला मेरी साइकिल खड़ी कर दो। मेरा बच्चा साइकिल खड़ी करने गया था, मेरा बच्चा उसी के नीचे दब गया। वो मकान काफ़ी दिनों से लेटरिंग टपक रही थी, मकान भी टपक रहा था, पन्नी डाल के गुजारा कर रहे थे ये लोग, और वो आता 4-5 महीने में किराया ले जाता, मरम्मत नहीं करा। उनके घर में किसी को नहीं लगी, मेरा ही बच्चा चला गया, मेरा एक ही लड़का था। ये हादसा हुआ 5 बजे करीब, 5:15 बजे करीब। हम लोग सब बाहर बैठे हुए थे और पता नहीं अचानक ही दीवार ऐसे गिर पड़ा। हम लोग अपने गेट पे बैठे हुए थे, हम लोग बाहर भी नहीं बैठे थे। हमारी बहन, छोटी वाली बहन बाहर बैठी हुई थी, अब वो तो गिर पड़ी, उसके सर में ज़्यादा चोट लगी। लेकिन हम अपने गेट पे बैठे थे, हमारा ये है, ये पूरा पैर हमारा दबा हुआ था ईंटों के नीचे। हाँ, पैर में फ्रैक्चर है, ईंट के नीचे पूरा हमारा पैर पूरा दबा हुआ। कितने लोगों को चोट लगी इसमें? इसमें दो जने तो हम दोनों बहन थे, एक वो छोटा बाबू तो डेथ कर गया। अच्छा, गुजर गया? हाँ, वो बाबू गुजर गया। उसकी उम्र कितनी थी? बस कह रहे थे सही करवा देंगे, सही नहीं करवा, किराया लेके चले जाते थे सर वो। तो कब से आप किराए पर रह रहे हैं? 4-5 साल हो गए। 5 सालों से। तो क्या आपके मन में डर नहीं था कि ये मकान जो है जर्जर है, कभी भी गिर सकता है? नहीं। तो आपके घर में भी किसी को चोट लगी? नहीं, मेरा लड़का था छोटा वाला, वहीं खड़ा था जब ये गिरा था। जब ये मकान गिरा आपका, तो उस समय आप लोग कहाँ थे? यहीं खड़े थे घर में। और जिनके चोट लगी है वो लोग कौन थे? पड़ोसी। फिलहाल बेगमपुर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और मकान मालिक से भी संपर्क करने में लगी हुई है। ऐसे में ज़रूरत है कि प्रशासन द्वारा ऐसे जर्जर हालत में बने मकानों को चिन्हित किया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह के हादसे दोबारा देखने को ना मिले। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।